त्रिपुरा के विधायक और विपक्षी पार्टी के नेता खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। विपक्षी सीपीआईएम ने बिप्लब देव ने बीजेपी आईपीएफटी सरकार पर कई पार्टी नेताओं, विधायकों, पूर्व सांसदों और यहां तक कि पूर्व मुख्यमंत्री माणिक सरकार का सुरक्षा घेरा भी हटाने का आरोप लगाया है, जिससे सबकी जिंदगी खतरे में है। সবাইকে ঘরবন্দি রাখতে হইব, ঘর থেকে বাড়ি হওয়া যাবে না, অর্থাৎ কোনো রকম নিরাপত্তা রক্ষী বা তাদের নিরাপদ ব্যবস্থা করার জন্য সরকার উৎসাহী না, এখন আমাদের এদের হাতেই ছেড়ে দিতে চায়। অ্যাজ ইফ ল অর্ডার ইজ সো গুড, হোয়াই চিফ মিনিস্টার ইন ইটস ক্যাপিটাল হোয়ার পিস প্রিভেইলস হি মুভস উইথ 15-16 ভেহিকলস। सीपीआईएम के विधायकों ने विधायकों, सांसदों और राजनीतिक नेताओं की सुरक्षा की मांग में डीजीपी अखिल कुमार शुक्ला से मुलाकात की। इधर न्यूज 18 असम नॉर्थ ईस्ट के संवाददाता से बातचीत में सीपीआईएम विधायकों और पूर्व मंत्री बादल चौधरी ने आरोप लगाया कि राज्य में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के बावजूद पिछले कुछ महीनों से मंत्री विधायकों का सुरक्षा घेरा हटा दिया गया है। त्रिपुरा के जो विधायक है वो अपने आप को अनसिक्योर महसूस कर रहे हैं, इसका वजह भी है जो बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद जो एमएलए हैं, फॉर्मर एमएलए हैं, एमपी हैं, उनकी सिक्योरिटी में कटौती की गई है और इसके कारण एमएलए डीजीपी के साथ भी मिले हैं उनकी सिक्योरिटी को बढ़ाने के मांग को लेके। मेघालय में इनर लाइन परमिट और एनआरसी लागू करने की मांग में यूनिट्रेप यूथ काउंसिल के सदस्यों ने आज मेघालय सचिवालय को थर्राया। राज्य में मौजूदा सरकार ने घुसपैठ की जांच के लिए जो व्यवस्था की है उससे नाखुश यूथ काउंसिल के सदस्यों ने जमकर प्रदर्शन किया। The state of Assam has recently published its NRC draft and about 40 lakhs of people are not in the draft. They are doubtful Indian citizen. We as Meghalaya we are sharing about 840 kilometers of our border with Assam. The Citizenship Amendment Bill 2016 which may be put before the Indian Parliament in the next session. HYC को यह डर है कि कहीं NRC की वजह से बांग्लादेश के हिंदू या अन्य समुदाय के लोगों को मेघालय में प्रवेश करने का मौका न मिल जाए और कहीं वे यहाँ की नागरिकता न मांगने लगे। नेपाल के पूर्वी भाग को सिक्किम के पश्चिमी भाग से जोड़ने के लिए 18 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। चालू साल के दिसंबर महीने तक निर्माण कार्य पूरा होने की उम्मीद है। नेपाल और सिक्किम के बीच ये पहली सड़क है और इसका निर्माण कार्य पूरा होने के बाद दोनों को विभिन्न क्षेत्रों में, खासतौर से पर्यटन के क्षेत्र में समान मौका मिलेगा। पश्चिम सिक्किम स्थित उत्तर से पूर्वी नेपाल को इस सड़क मार्ग से जोड़ने के काम शुरू हो रहा है। 18 किलोमीटर सड़क बनने के बाद पूर्वी नेपाल और पश्चिम सिक्किम जोड़ा जाएगा और इसी सड़क मार्ग इस महीने के अंत तक बनने की संभावना है और इस सड़क मार्ग बनने के बाद पूर्वी नेपाल और पश्चिम सिक्किम जोड़ा जाएगा। इस सड़क के बनने से अब चेवा भांजांग पास तक जाना आसान हो जाएगा, जो कि भारत नेपाल सीमा का सबसे प्रसिद्ध पास है। असम के अयान गोगोई गोहाई नामक एक 4 वर्षीय लड़के ने शुक्रवार को मिजोरम विश्वविद्यालय के सभागार में अपनी पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगाई। प्रदर्शनी में अयान की 60 से अधिक पेंटिंग रखी गई है, जो कि उसने 1 साल से 4 साल तक की उम्र में बनाई थी। बिराते आनंद पाइछो जे अयने इमान एटा डांगर स्टेप लले। अयन पूरा 1 बछर मानर पराय অকা মেলা কৰি থাকিছিলে, 300 মান মানুহ প্ৰায় 10 মিনিট মানৰ ভিতৰত জমা হৈ গ'ল। বিৰাটেই ফূৰ্তি পাইছোঁ আৰু খুব ভাল লাগিছে মানুহৰ সকলোৰে উৎসাহ দেখি। आइजोल में रहने वाला अयान इसी साल जनवरी महीने में अपनी किताब हनीकॉम के लिए भारत के सबसे कम उम्र के लेखक के तौर पर प्रसिद्ध हुआ था।